73 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एमजी नरेगा स्कीम को लेके काफ़ी वहाँ में बवाल मचा हुआ है। लोग एक दूसरे को कंप्लेन बाजी बहुत चल रहा है और ऑफिस में भी काफ़ी कंप्लेन आ रहा है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, क्या समस्या है, तब वहाँ के विधायक होने के नाते लोकल एरिया का अपर सेवन थ्री का जो मंत्री भी है, तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। हाँ, कॉम्प्लेन का ज़्यादा सवाल है, हमारे पास तो कॉम्प्लेन आया नहीं है और शायद मेरा MLA कलेक्स लोग के पास भी शायद कंप्लेन नहीं है। अगर हम लोग इस किसी के पास होता तो हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देता कि यही कंप्लेन है। तो एक चीज़ देखा कि जो वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन CM एरिया का तालिया पायन और गीबा और पूरा अपर सुबनसिरी का ऑलमोस्ट ये है कंप्लेन। एक तो ये अगर वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ पेमेंट अभी तक नहीं मिला है को और कोई एरिया तो बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ है, उसमें मेरा ये मानना है कि तीन जैसे जगह खास करके सोशल मीडिया में जो आया है वीडियो वायरल हुआ है, गीवा सर्कल का, गीवा ब्लॉक, तालिया पायन ब्लॉक और CM का, तीनों का अलग अलग जो है इशू जो है थोड़ा डिफरेंस है, भले हो मनरेगा का अंदर में क्यों ना हो। शायद गीवा का जो रिपोर्ट जो है लेट हुआ है और तालिया पायन का ज़्यादा सवाल है। मैंने DC को वो वीडियो वायरल को देखते हुए DC को इंस्ट्रक्शन किया है कि आपका फाइनिंग हुआ क्या, एक्चुअल फैक्ट क्या है, तो PD को भी मैंने बात किया है। तो जहाँ तक मेरा DC और PD से डिस्कशन का सब जो ताल्लुक है हुआ था, तो DC को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आगे क्या हो सकता है और एक्शन जल्दी किया जाए, क्योंकि ताकि पब्लिक कन्फ्यूज ना हो। तालिया में ऐसे हुआ है कि उसमें कंप्लेन में बोला कि तालिया में कम पैसा मिला है, लेकिन उसमें तालिया का बोलने से तो सबसे अच्छा हुआ कि कम पैसा मिलने के कारण जो है ये महीना 2019-20 का बैलेंस जो पैसा कम हुआ था, उसका डिमांड जो उसका डिमांड के हिसाब से पैसा आता है, तो बाकी जो पेमेंट एडवांस पहले ले चुका है कि जितना कम रिक्वायरमेंट जो है अमाउंट का। CM का एक ये आ रहा है कि आपका रिपोर्ट जो है कुछ करेक्शन जब करते करते तब तक टाइम थोड़ा निकल गया था कि रिपोर्ट पूरा अपलोड पूरा रिपोर्ट का जितना MIS में आजकल PDing होता है, पहले मनरेगा जैसे केस पेमेंट करता था, आजकल ऐसे नहीं है, तो रिपोर्ट एंट्री में थोड़ा देरी हुआ है। लेकिन जहाँ तक पैसा का मिसयूज है, मिस अप्रोप्रिएशन का जो शब्द डाला है, मेरा हिसाब से मिस अप्रोप्रिएशन करने का जगह तो ना के बराबर है, क्योंकि आजकल ऐसे है कि केस पेमेंट का सिस्टम खत्म हो गया। DBT बोल के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोल के जब पूरा रिकॉर्ड हो आपका डिमांड पूरा हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ब्लॉक से डिमांड करना पड़ता है कि गवर्नमेंट को RD डिपार्टमेंट को, पूरा डिमांड होने के बाद क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर सीधा अपना अकाउंट में चला जाता है, ना कि किसी के वीडियो के थ्रू से या किसी एजेंसी के थ्रू से या DRDA के थ्रू से केस ट्रांजेक्शन तो आजकल होता नहीं। तो DBT जब है तो उसमें मिस अप्रोप्रिएशन का तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, ये हुआ होगा आपका रिकॉर्ड अपडेटिंग में थोड़ा टाइम लगा होगा और MIS में थोड़ा देरी हुआ होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड का नाम जो है थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी अल्फाबेटिकल माने मिस्टेक में भी आपका तकलीफ आ जाता है कि कंप्यूटर में जब कंप्यूटर शुरू हो जाता है, तो उसमें ये हुआ होगा। तो CM का पूरा CM ब्लॉक का जो अपलोड पूरा हो चुका है और स्टेट का पैसा जब तक होते होते यहाँ का जो पान अवेलेबल जो है थोड़ा ये हो गया था, अभी जितना पान जो सेंटर से और यहाँ का रेडी हो जाएगा आपका अकाउंट में सीधा DBT का द्वारा आपका पूरा मिलना शुरू हो जाए। उसका अलावा कुछ अगर इधर उधर हुआ है तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में अपर सुबनसिरी में DC को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्दी कमिटी बिता कर उसको इंक्वायरी करो और ये क्या होता है आगे और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, हमारा अगर गलती हुआ है तो एक्शन पक्का होगा। इसलिए पब्लिक से मेरा ये निवेदन है कि आप एक दूसरा को काउंटर जो कॉम्प्लेन करता है, कॉम्प्लेन का जगह में आप कन्विंस करने से और बता देने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, कॉम्प्लेन में कोई हासिल नहीं होगा। अब डेमोक्रेसी सेटअप में कंप्लेन करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन आवाज़ उठाने का भी तरीका होना चाहिए कि कभी ऐसे हो जाएगा किसी के एलिगेशन डालेगा, आखिर अपना इंडिया में अपना एक ही जगह में तो बैठना है। तो कुछ है तो अब एडमिनिस्ट्रेशन है DC का अंदर, DPC बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो DC है और DRDA में PD है, उसका अलावा आपका ऑनरेबल MLA बैठा हुआ है, हमारा दापरीजो का है, धूमप्रीजो का है, तलिया का है, और मैं खुद वहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, हम लोगों के पास तो कंप्लेन आया नहीं, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ है हमको भी सरप्राइज हुआ है। क्यों ये माने ये चीज़ जो है
पहले बताना चाहिए था ताकि ताकि मैं ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे सकूं और डीसी को इंस्ट्रक्शन दे सकूं कि ये क्लियरिफिकेशन क्लारिफिकेशन कहाँ तक होना है और कहाँ कमी रह गया और क्या करना चाहिए। सीधा सीधा जब वायरल हो जाता है तो थोड़ा रिप्लाई हम भी कंफ्यूज है, लेकिन जितना भी ये हो सके कि डीसी और हम पूरा डिटेल डिस्कशन और रिपोर्ट भी पूरा ले चुका है कि डीसी का द्वारा पीडी का द्वारा और ब्लॉक हर ब्लॉक का पूरा रिपोर्ट ले लिया है और अभी डीसी का काम बाकी रह गया कि और डीसी क्या एक्शन लेगा, कुछ रह जाता है तो और रिपोर्ट में कमी रह गया तो। अदरवाइज मिस अप्रोप्रिएशन का जहाँ तक शब्द है, यहाँ डीबीटी सिस्टम जब से लागू हो गया मिस अप्रोप्रिएशन का तो मेरा हिसाब से सवाल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वीडियो का कोई रोल नहीं, सीधा अकाउंट में चला जाता है पैसा। सर मेरा एक सवाल है, जहाँ तक गिवर सकल का जो सवाल है उसका ऐसे कि वो जो सारा जितना है इस बार का एमजी नगर लैप्स हो गया, तो इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्या? जो लैप्स हो गया मेरा हिसाब से तो अपना का बराबर है, लैप्स इज लैप्स, क्योंकि ये ऑफिसर को उसका ड्यूटी होता है कि करना चाहिए था। अगर उसका लैप्स है कुछ रीजन है तो डीसी उधर है, जो एक्शन लेना है डीसी लेगा। किसी ऑफिसर को किसी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पर्टमान है इंडिविजुअल नहीं, लेकिन पब्लिक के वेलफेयर के लिए, अपर सुबनसिरी के वेलफेयर के लिए और अरुणाचल के वेलफेयर के लिए जो एक्शन लेना है डीसी लेगा। और क्लियर कट डीसी को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किसी का वजह से, किसी का मैंने अंडर परफॉर्मेंस का वजह से हमारा अरुणाचल का या अपर सुबनसिरी का या किसी ब्लॉक का पब्लिक को तकलीफ ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा पहले का रेट जो है हमको 100 रुपीज़ कुछ पैसा देता था, आज का जो रेट जो 200 पर बेनिफिशरी को दे रहा है, कि हमारा गवर्नमेंट का एक बड़ा निर्णय है और पेंडेमिक समय में जितना हो सकेगा पैसा पब्लिक को मदद करने के लिए और बीपीएल फैमिली को मदद करने के लिए जो पैसा गवर्नमेंट दे दी गया उसको लाभ नहीं उठाना और ये करना है तो गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन पर्टिकुलर जो ऑफिसर जो भी ऑफिसर और ऑफिसर है उसका एक्शन लिया जाएगा। सर और ये पब्लिक का और कंप्लेन है कि जब एम जी नरेगा आपने जो बताया कि डीबीटी फॉर्म में उसमें पैसा कटने का कोई सवाल नहीं, लेकिन केस टू केस अगर मांगा जाए तो इस तरह में भी तो हो सकता है करप्शन, सीधा इनने पैसा मांग जाता फॉर्म के तौर पे, फॉर्म के चार्ज में। केस टू केस अगर मांगता है तो हमारा गवर्नमेंट का और हमारा माननीय मुख्यमंत्री का मैंने हर भाषण में आपको क्लियर बताया गया कि अगर कोई ऐसा मिला है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दें। करप्शन रुकना है तो गवर्नमेंट जितना भी रूल बनाने से करप्शन नहीं रुकेगा। अब पब्लिक खुद करप्शन को रुकने के लिए जो करप्टेड आदमी को पनिशमेंट देने के लिए पब्लिक रेडी होना है विद रिकॉर्ड के साथ, जैसे आप सोशल मीडिया में इजिली वायरल हो रहा है, अब किसी को ऐसे कर रहा है तो ऑन रिकॉर्ड विद एविडेंस के साथ आप गवर्नमेंट के साथ आइए। अगर ऐसे कोई मिला है तो आप एड्रेस बोल दीजिए, आपका आपका नाम जो है कंप्लेन का उसको साइलेंस रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल होगा, अब बताइए। और जिसको एक्शन लेना है गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट यहाँ बैठा हुआ है कि एक्शन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट जितना भी करेगा लेकिन साथ आप पब्लिक साथ देना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक से निवेदन है कि अगर कोई ऐसे है, कोई ऐसे ऑफिसर कोई मिला है या ऑफिसर कोई मिला कोई स्टाफ मिला है, आप रिपोर्ट दे दीजिए लेकिन एविडेंस के साथ। सर ये सीएम सर्कल को लेके जैसे कि वायरल वर्ल्ड वीडियो जो उसका कंप्लेन को आपको काफ़ी इसका पता चल गया, तो उसके लिए आपने क्या किया एग्जैक्टली सीएम सर्कल के लिए? तो सीएम सर्कल का पर्टिकुलर ये सीएम सर्कल को करना ये नहीं है, लेकिन हम डीसी को इंस्ट्रक्शन देगा। डीसी जो गवर्नमेंट का एजेंट होता है और जो भी इंस्ट्रक्शन इंक्वायरी होगा और जो भी छानबीन करने डीसी से शुरू होगा। अभी डीसी को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अभी डीसी जो करना ही करेगा, अगर वहाँ कोई एविडेंस है या फुल प्रूफ है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अब फैक्ट को जाने से पहले सोशल मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया में आने का भी एक पैशन बन गया, कभी कभी सोशल मीडिया में इतना आ जाता है, कुछ एक दो दिन चलता है उसके बाद गायब हो जाता है। कभी कभी मेरा पास भी ऐसे हुआ है, बहुत से ऐसे कंप्लेन भी आता है, कंप्लेन आ जाता है जब इन्हीं से शुरू हो जाता है, वो इधर शुरू हो जाता है। लेकिन सीएम में अभी तक क्लियर कट ये करके किसी इंडिविजुअल को या किसी पॉलिटिकल एंगल से किसी को ये करने से उसी से नहीं होगा, सीएम नहीं बोल के सारा अरुणाचल में, तो सीएम का उससे सिर्फ नहीं है, सारा अपर सुबनसिरी का ये साथ है। आपका कंप्लेन के लिए हम यहाँ बैठा है, गवर्नमेंट यहाँ है, आपका साथ है, लेकिन आप एविडेंस के साथ आइए, ना कि किसी फॉल्स एलिगेशन में। फॉल्स एलिगेशन में हो सकता है कि आपको खुद को भी तकलीफ हो, कल को चैंपियन शुरू करेगा, आप गवर्नमेंट को मिस गाइड कर रहे हैं, आप पुलिस को मिस गाइड कर रहे हैं, डीसी को मिस गाइड कर रहे हैं, लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं, तब तक तो आपको भी तकलीफ हो सकता है, लेकिन फुल प्रूफ के साथ आइए तो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जाति का हो या कोई भी इंसान कोई भी कुछ भी पद में बैठा हो, गवर्नमेंट आपके साथ है, करने रेडी है। इसलिए डीसी को इंस्ट्रक्शन दिया गया, बार बार आपको बता रहे हैं,
तो आपका माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता है कि एलिगेशन का जगह में आप पूर्ण प्रूफ एविडेंस के साथ आई है। मेरा को डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारा टर्म में एक साल कंप्लीट हो गया, आज तक हमने सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बिना काम का पैसा पेमेंट करने नहीं दिया। आप जो भी काम मेरा कॉन्स्टिट्यूशन काम हो रहा है पोतों के साथ ये पेमेंट करने दे रहा। अगर कुछ ऐसे है तो कंप्लेन मेरा पास भी आना चाहिए ना, ना कि उधर जाके एमएलए भी ये करना चाहिए। तो एमएलए को तो पता नहीं होगा ना, आप सबूत दे दीजिए, आप बताइए कौन से जगह क्या करना है। मैं आपके लिए रेडी हूँ, आपके लिए काम करने का यहाँ रेडी होकर बैठा हूँ, लेकिन सबूत के साथ आइए ना किसी को। सर ये पब्लिक और ये कह रहा है कि जो वहाँ में क्लर्क जो इन्वॉल्व है, जो टीए या टेक्निकल असिस्टेंट जो भी वहाँ क्लर्क इन्वॉल्व है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है और किसी किसी को एमएस पोर्टल का एंट्री भी नहीं आता है, तो साउंड नॉलेज नहीं है टेक्निकल है, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए जो इस तरह कंट्री, तो उसमें काम करने में दिक्कत आएगा गवर्नमेंट का। इतना साल से जब चल रहा है मनरेगा तो आज का नहीं है, बहुत साल से चल रहा है, उसी समय सब कुछ अपडेट हो रहा है, पोर्टल सब कुछ दिख रहा है। जो ओ टेक्निकल माने कॉम्पिटेंट है पोर्टल मालूम है उसको एक्सपर्ट ही बता सकता है, ना कि मैं, क्योंकि वो टेक्निकल के बारे में, पोर्टल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, इंजीनियर के बारे में वो ना हम बता सकता है ना कोई बता सकता है। अगर वो बता रहा है तो कोई एक्सपर्ट सजेस्ट दे रहा है तो वो जाके उसको भी बता दीजिए अब ये चीज़ हो रहा है, लेकिन कैमरा में बोलने से सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब इतना आइडिया है अब आप भी बता दीजिए, अब वह लोकल है अभी मदद करना चाहिए, सोशल सर्विस करना, सोशल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि आपका अपना एरिया आगे बढ़े। तो क्रिटिसिज्म का जगह है, कभी कभी पॉजिटिव अप्रोच में भी देखना चाहिए, क्यों क्योंकि हम सब मिलके आगे ले जाना है डिस्ट्रिक्ट और एरिया।